हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। वो जगह मेघा के ससुराल बाड़मेर से बहुत ज्यादा दूर नहीं थी, जहां एक महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया था। ये आधा तुझ पे गया है और आधा मुझ पे गया। ये देख चंदा, मुझे तो लगता है पूरा तुझ पे ही गया है कमल। सूरज नाम कैसा रहेगा इसके लिए? बहुत अच्छा नाम है। तू चंदा और ये सूरज। शायद हम कभी ना जान पाए कि तेरी माँ ने ऐसा क्यों किया, पर हमें तो जीना है ना। तेरी माँ तुझसे और मुझसे बहुत प्यार करती थी, और उसने जो कुछ भी हमें सिखाया है उसी के सहारे आगे की जिंदगी काटनी है। हमें खुश रहने की कोशिश करनी है। भजन ने तो जिद बांध लिया लगा, दोबारा शादी नहीं करेगा। अगर जगत को एक माँ की जरूरत है तो जगत भी अपने ही घर का बच्चा है। राकेश और जगत हमारे लिए हमेशा बराबर होने चाहिए। हो सके तो जगत को भी अपना बेटा मानकर एक माँ का प्यार देने की कोशिश करना। सुनो, मुझे माफ कर दो, मैं हमेशा आप पे शक करती थी। सभी ने किया था लता, कुछ लोग तो आज भी करते हैं। अगर ये सब भूल जाओ, मेरे दिल में किसी के लिए कोई मलाल नहीं है। बस किसी दिन मेघा के उठाए इस कदम की वजह पता चल जाए तो अच्छा होगा। भूपेन गुलेरिया ने पहले अपने भाई और अब अपनी पत्नी से जो कहा था, क्या वही सच था? क्या मेघा गुलेरिया ने कदम सिर्फ इसलिए उठाया था ताकि वो सारी प्रताड़ना से दूर अपनी खुशियां ढूंढ सके, या फिर इसके पीछे कोई और ही वजह थी? मेघा के इस कदम को उठाने के पीछे की वजह को ढूंढना आसान नहीं था। और वहीं दूसरी तरफ एक गांव में एक 12 साल का लड़का इस बात का जवाब तलाश रहा था कि उसकी माँ अचानक कहां गायब हो गई थी। बारह साल के रतन दागा को जीवन व्यापन करने के लिए चाय की दुकान पर काम करना पड़ रहा था, पर हर दिन बिना भूले जब भी उसे काम से और स्कूल से फुर्सत मिलती, वो कविपुर गांव के आसपास जाकर लोगों से पूछता कि क्या किसी ने उसकी मां को देखा था। वो हाईवे के किनारे इसी आस में घंटों इंतजार करता रहता था कि जिस रास्ते से उसकी मां अचानक चली गई थी उसी रास्ते से एक दिन वो लौट आएगी। बेटा रतन, कविपुर का कोई भी घर तेरा अपना घर है, तू सबको अपना परिवार समझ। तू ना अपने खाने की चिंता कर और ना अपने पढ़ाई की। बेटा, सरपंच होने के नाते मैं तुझे वचन देता हूं कि तेरी जिम्मेदारी हम लोग अपने बच्चे की तरह निभाएंगे, ठीक है? और हाँ बेटा, जैसलमेर के आसपास जितने भी गांव है ना, सभी गांव में हमने तेरी माँ को बहुत खोजा, लेकिन उसकी कहीं कोई खबर नहीं मिली। तू फिक्र मत कर, जैसे ही किसी को कोई भी खबर मिलेगी ना, वो हमें तुरंत आकर बता देगा, ठीक है? रतन के पिता को रोड एक्सीडेंट में खोने के बाद गीता दागा ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया था। वो अपने पति की मौत के सच को कभी नहीं मान पाई थी। उसे अब तक यही आस थी कि उसका पति कभी ना कभी घर वापस आ जाएगा। वो हाईवे के किनारे इसी उम्मीद में अपने पति की राह देखती रहती थी। अपने मृत पति की तलाश में वो अक्सर यहां वहां भटकती रहती थी, और लगभग हर दिन रतन अपनी मां को गांव के हर कोने में खोजता। वो उसे किसी कोने में पड़ी हुई मिलती और रतन उसे फिर से घर वापस ले आता। लेकिन साल 2003 में एक दिन रतन ने पूरा गांव छान मारा, पर उसे उसकी मां कहीं नहीं मिली। पर उसने ये उम्मीद कभी नहीं छोड़ी थी कि कभी ना कभी उसकी मां को घर का रास्ता याद आ जाएगा, या फिर एक दिन वो खुद अपनी मां को ढूंढ लेगा और उसे घर वापस ले आएगा। लेकिन रतन अपनी मां का पता नहीं लगा पाया।
कहीं ना कहीं रतन दागा की तकलीफ और भजन गुलेरिया और उसके बेटे जगत गुलेरिया की तकलीफ के तार जुड़े हुए थे, और साथ ही जुड़ी थी मेघा गुलेरिया की कहानी कि आखिर उसने क्या और क्यों किया था। और ये कहानी तब शुरू हुई थी जब भजन गुलेरिया अपनी पत्नी मेघा को जानता भी नहीं था। कमल धीरे, कमल क्या कर रहा है? कमल धीरे चल, कमल रोक साइकिल रोक, मैंने कहा ना साइकिल रोक। दोबारा ऐसा किया ना तो तेरी साइकिल पे बैठूंगी नहीं मैं। रोज रोज इतना चिल्लाती रहती है, कभी गिराया तुझे मैंने? पर मुझे डर लगता है ना। अच्छा सुनना, सुन, घर पे कल बोल देना स्कूल से पिकनिक के लिए फोर्ट ले जा रहे हैं, फिर घूमने चलेंगे। तीन बार पहले भी यही बहाना बना चुकी, फिर से कहूंगी तो माँ पूछेंगी कि तुम्हारे स्कूल वालों को फोर्ट के अलावा और कोई जगह नहीं मिलती क्या। अच्छा बालोतरा चलते हैं, फिर सुबह स्कूल से छुट्टी मारेंगे, बस से जाएंगे, दिन भर घूमेंगे और शाम को वापस। तू एक काम कर, तू अपनी माँ को बोल मेरे घर पे आ और मेरा हाथ मांग ले, फिर बहाना बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मान जाएगी माँ? अगर नहीं मानी तो? तू भागेगी मेरे साथ? कमल मैं अपनी माँ को दुखी नहीं देख सकती, तू पहले बात तो कर, उनको मेरे घर भेज तो सही, फिर देखेंगे ना, बात होगी, फिर अगर माँ ने मना किया तो तब का तब देख लेंगे। ठीक है। माँ? हाँ। ये लड़का है, भजन नाम है। मेघा देख जरा, रिश्ता आया तेरे लिए। देखने में तो थोड़ा अच्छा लागे। माँ परिवार भी बहुत अच्छा है, बरमेर में जमीन है इनकी। लड़का 22 साल का है, हमारे चरण भाषा ने रिश्ता बताया है। मैंने मेघा का फोटो भिजवा दिया उनके हाथ। माँ लड़के का फोटो देखते ही मैंने चरण भाई साहब को बोल दिया कि लड़का हमें बहुत पसंद है, अब अगर वो मेघा को देखना चाहते हैं तो अगले इतवार को घर आ जाए। मेघा देख जरा, लड़का कैसा लगा? अच्छा है ना? सबसे पूछ लिया मैंने, किसी को नहीं पता कमल कहाँ गया है। उसकी माँ से पूछा क्या? अरे उनसे भी पूछा, लेकिन उनको भी नहीं पता वो कहाँ गया है। देवा बताना, वो किसी काम वाम के लिए गया है? कोई फोन नंबर दिया क्या तुझे? नहीं रे, होता तो बताता नहीं क्या। अरे मेघा बेटा, कैसी है तू? तेरी माँ ने बताया तुझे देखने के लिए रविवार को लड़के वाले आ रहे। हाँ काकी, वो कमल की कुछ किताबें थी मेरे पास, उसको लौटानी थी। दे दो मुझे, वो आएगा ना तब मैं देती हूँ उसे। हाँ काकी, वो हफ्ते भर पहले कमल ने भी मुझसे कुछ किताबें ली थी, 5 दिन हो गए वो स्कूल नहीं आया ना, कब तक आएगा वो? ये तो वही जाने बेटा, जोधपुर गया है अपने चाचा के घर किसी काम से, 5 दिन में आऊँगा ऐसे कहा था मुझे, लेकिन अभी तक नहीं है। मेघा को पहली नजर देखते ही भजन गुलेरिया को उससे प्यार हो गया, लेकिन मेघा किसी से नहीं कह सकती थी कि वो किसी और से प्यार करती है। भजन गुलेरिया के साथ शादी तय हो जाने के बाद भी मेघा ने कमल का बड़ी बेसब्री से इंतजार किया, पर कमल का कोई अता पता नहीं था। जब हमारी शादी हो ही गई है तो तुमको एक सच बताता हूँ, असल में मैं तो शादी ही नहीं करना चाहता था, तो माँ बापू और भूपेन भैया जबरदस्ती कसम देकर मुझे ले गए थे तुम्हें दिखाने। मैं तो शहर जाकर काम करना चाहता था, पर सच कहूँ तो जब मैंने तुमको देखा तो मेरा मन ही बदल गया। मैंने फैसला कर लिया कि मैं शादी तो तुमसे ही करूँगा। माँ बापू को तुम नहीं अच्छी लगी तो मैं अड़ जाऊँगा, तुमसे तो पूछा नहीं, शायद पूछते भी नहीं होंगे, लेकिन फिर भी मैं पूछता हूँ, क्या मैं तुमको पसंद आया? मेघा,
भजन इतना खा नहीं पाएगा जितना तुम उसकी थाली में डाल रही हो। मेघा चौहान अब मेघा गुलेरिया बन चुकी। उसने ना सिर्फ इस शादी को स्वीकार कर लिया था बल्कि वो इस शादी से खुश भी थी। मत जाओ ना, मैं यहाँ कैसे रहूंगी? मेघा, मैं तेरे और जगत के लिए तो जा रहा हूँ ना, वहाँ पे अच्छा काम करूंगा, चार पैसे कमाऊंगा। यहाँ पे जितना है उसमें खुश है, मत जाओ ना। दिल्ली बड़ा शहर है, करने को बहुत सारा काम है, और काम दिलाने में तेरा भाई गुंजन भी तो मदद कर रहा है ना। भजन, मुझे बहुत डर लग रहा है। मेघा, इसमें डरने वाली कौन सी बात है? तू अकेले थोड़ी है घर में, सभी तो हैं। माँ है, बापू है, कंचन है, लता भाभी है और भूपेन भैया भी तो हैं। देख, मैं दिल्ली में यहाँ से कई गुना पैसा कमाऊँगा और फिर तुझे और जगत को बेहतर जिंदगी दे पाऊँगा। भजन बस यही सोच सकता था कि उसके दिल्ली जाने की वजह से मेघा दुखी थी। मेघा किसी भी हालत में उसे सच नहीं बता सकती थी कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, आखिर वो किस दुविधा से गुजर रही थी। सूरज, जवाब क्यों नहीं दे रहा? तूने दूध पी लिया? पहले दूध पी, चल खत्म कर सब। मम्मी देखो उसमें मक्खी है। नाटक मत करो, थप्पड़ मारूंगी, खत्म करो। क्यों पिलाते हो मम्मी, इतना गंदा होता है। कि तेरे सेहत के लिए अच्छा है, अब पूरा खत्म कर। मम्मी पापा कब आएंगे? पता नहीं, पूछ के बताऊंगी। पापा हर बार बाहर जाते, टूर पे जाते और उनको टाइम नहीं होता कि कब वापस आएंगे। अगली बार टीचर बुलाएगी और आप दोनों को आना है। ठीक है, चलो अभी। वैसे पापा काम क्या करते? बताया ना तुझे, तेरे पापा सेल्स में है। पापा ऑफिस में काम क्यों नहीं करते? बाकी सबके पापा ऑफिस जाते, दुकान जाते, हर शाम घर लौटते। पापा की तरह हमेशा बाहर नहीं रहते। चुप कर, हर वक्त पापा कहता रहता है। अब चल, तेरी बस निकल जाएगी। उनको बोल देना। क्या हुआ चंदा, इतना चिल्ला क्यों रही है? तो और क्या करूँ, तू बता। कमल, सूरज बड़ा हो रहा है, तेरे बारे में सवाल करता रहता है कि तू कहाँ है, तू घर क्यों नहीं आता। उसके सारे दोस्त के पापा घर वापस आते, दिन भर तुझे याद करके अपने दोस्त के पापा के बारे में बात करता रहता है। चंदा तो समझा उसको, मैं काम में फंसा हुआ हूँ, बस दो दिन की बात है, मैं आ जाऊंगा वापस। कमल, मैं सूरज की परवरिश अकेली नहीं कर सकती, हम दोनों को यहाँ पे तेरी जरूरत है। चंदा, मैंने एक बार कहा ना, मैं आ जाऊंगा वापस, काम में फंसा हुआ हूँ। तुझे क्या लग रहा है मैं तुम दोनों को छोड़ के भाग जाऊंगा? दोनों के बिना जी सकता हूँ क्या मैं? लड़के के घर वालों से बात हो गई, हम लड़के को एक मोटरसाइकिल दे रहे हैं, कंचन को 2 लाख के गहने देंगे जो लड़के वालों के घर जाएंगे, साथ में 2 लाख नकद भी देंगे, और उनके मेहमानों का ख्याल तो हम रखेंगे। भजन, तू सुन रहा है? हाँ, आप कैसे भी करके कंचन की शादी तय कर दीजिए, मेरे पास जो कुछ भी होगा मैं दे दूंगा। भजन, तू ऐसा क्यों कर रहा है? क्यों अपने आप को तकलीफ दे रहा है? जगत को देखा, बड़ा हो गया है वो, उसकी पूरी जिंदगी पड़ी है उसके सामने, और अब तो वो भी सब कुछ भूल चुका है, तू क्यों नहीं भुला पा रहा? ना तू ठीक से खाता है, ना अपना ख्याल रखता है। मैं काम करने जा रहा हूं। एक भजन, जो कुछ भी हुआ उस तकलीफ से गुजरना सबके लिए मुश्किल था। ये जो लड़का है ना पंकज, बड़ी मुश्किल से हाँ कहा है उसने कंचन से शादी करने के लिए। उसने या उसके परिवार ने अभी तक तेरे बारे में कोई सवाल नहीं पूछा, ना ही तेरी बीवी के बारे में। मुझे डर है कि तेरी ये हालत देखकर वो सवाल पूछना शुरू कर देंगे और फिर हमें जवाब देना होगा, और फिर कंचन की शादी का क्या होगा? आप फिक्र मत करो भैया, मैं उन लोगों के सामने आऊंगा ही नहीं,
अब बस कैसे भी करके कंचन की शादी पक्की कर दो। बाकी जगत को आप और भाभी अपने बच्चे की तरह पाली रहे हो। मगर भजन, जगत तेरा लड़का है, उसे तेरी जरूरत है जिंदगी में आगे रास्ता दिखाने के लिए। सब कुछ भूल कर एक बाप का फर्ज अदा कर, क्योंकि पिछले 13 साल से तू जिस सवाल का जवाब ढूंढ रहा है वो तुझे कभी मिलने नहीं वाला। मेघा ने अपनी जान क्यों ली हमें कभी पता नहीं चलेगा। सच तो ये है कि मेघा अब नहीं रही, और अगर किसी दिन इसकी वजह तुझे पता भी चल जाए तो उससे क्या होगा? क्या तेरे मन को शांति मिलेगी? अपने लिए अच्छे साड़ियाँ ले लेना, और सूरज के लिए भी अच्छे कपड़े, और तेरे लिए नया मोबाइल लाया हूँ। इस बार कहाँ डाका डाला कमल? चैन से खाना खाने दे चंदा, 2 हफ्ते बाद घर का खाना मिला है। सूरज को मैं क्या कहूँ कमल, झूठ बोलना पड़ता है उसे कि उसके पापा सेल्समैन है इसलिए बाहर जाते हैं। क्या होगा अगर उसे पता चल जाएगा? मेरे पास उसके सवालों का कोई जवाब नहीं है। क्या होगा अगर उसे पता चलेगा कि उसके पापा सेल्समैन नहीं चोर है? तो ये सारी काम छोड़ क्यों नहीं देता? कुछ आम लोगों वाला काम करते हैं ना। कहने में बहुत आसान लगता है, कुछ और काम करूंगा तो इतने पैसे मिलेंगे क्या? न तेरी जरूरतों का ख्याल रख पाऊंगा न सूरज की। और अगर सूरज को पता चल गया तो? कैसे पता चल जाए? हाँ, इतने सालों से कर रहा हूँ, पुलिस को आज तक पता नहीं चला है, हाथों में सफाई है मेरे, एक रिकॉर्ड नहीं है मेरा पुलिस के पास। काम का ही डर रही है। डर लगता है मुझे कमल, बहुत बार ये सपने में आता है। जब भी ये दरवाजे की बेल बजती है ना, ऐसा लगता है कि मैं दरवाजा खोलूंगी और पुलिस आएगी सामने और तुझे पकड़ के ले जाएगी। और सूरज बार बार ये सवाल पूछेगा कि हमने ये सब क्यों छुपाया उससे। मैंने एक बार सोच के देख ले, कुछ अच्छे से चल रहा है, सूरज की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो? अगर तू पकड़ा गया तो क्या कहेंगे उसे लोग, चोर का बेटा? 13 साल हो गए, आज तक पता लगा है किसी को कि तू चंदा नहीं मेघा है? 13 साल हो गए, किसी को पता लगा है तू मरी नहीं जिंदा है? इतनी बड़ी बड़ी बातें पता नहीं लगी, इतनी छोटी सी बात पता लग जाएगी? बहुत संभल के काम करता हूँ मैं, बहुत होशियारी से, हमेशा से। पहले भी तूने बोला था हम पकड़े जाएंगे, हुआ है क्या ऐसा कुछ? हाँ, अरे जी देर, आप भी रुक जाते दामाद जी। अरे नहीं, बहुत काम है, तो आपने कहा मेघा और जगत को छोड़ दूं इसलिए ले आए हैं। अब मेघा आई है यहाँ तो कम से कम 2 हफ्ता रुकने दो उसे। हाँ ठीक है, अच्छा मैं चलता हूँ, बस का टाइम हो रहा है। बस ठीक है। कोई 2 हफ्ते नहीं, 4 दिन में लेने आऊंगा, तैयार रहना। तुम आसे क्यों नहीं बोला, अभी नहीं जाओ? अरे उनका मन भी रखना पड़ता है ना। अच्छा मैं चलता हूँ, जाऊं दिख अगर नहीं बोलेगी तो नहीं जाऊंगा। फिर भैया और बापू अलग से 4 बात सुनाएंगे कि छोरी की शादी क्या हो गई, जोरू का गुलाम हो गया, एकदम काम धंधा ही छोड़ दिया। ठीक है जाओ, पर आ जाना 4 दिन में। कैसी है तू? तू अब तक नाराज है? मैं आया था तुझसे माफी मांगने, पर तू बाड़मेर में थी, मेरी हिम्मत नहीं हुई वहां आने की। मैं जब भी गांव आता हूँ तेरा ही इंतजार करता हूँ कि तू कभी तो गांव आएगी। अब क्यों आया है कमल? जो हो चुका है वो हो चुका है। सब मेरी गलती है, मुझे पता ही नहीं था तेरे साथ क्या चल रहा है। मैंने वापस आने में देर कर दी। देर नहीं, तुमने बहुत देर कर दी, सब खत्म हो चुका है, मैं अपनी जिंदगी में नई शुरुआत कर चुकी हूँ।
वो गांव के बाहर का घर याद है ना तुझे? कल इंतजार करूंगा मैं तेरा वहां। जो तू मुझे भूल चुकी है तो मत आना, नहीं तो बस आकर माफ कर देना मुझे। यकीन था मुझे तू आएगी। नहीं कमल, मैं किसी और की पत्नी हूँ, माँ हूँ मैं एक बच्चे की। मेघा, मुझे पता होता तेरे साथ क्या चल रहा है तो मैं उस समय ही तुझे भगा के ले जाता। पर अब इस सब का क्या फायदा कमल? क्या अब तो मुझसे प्यार नहीं करती? पर अब मैं बहुत खुश हूँ अपनी जिंदगी में कमल, पति है मेरा जो मुझसे बहुत प्यार करता है। तुझे भुला पाना बहुत मुश्किल था मेरे लिए, पर मैं आगे बढ़ चुकी हूँ कमल। पर मैं अब भी वही खड़ा हूँ, कभी भूल ही नहीं पाया तुझे। जब मैं तुझसे मिलने आया ना तब तेरी शादी हो गई थी। पर अब इस सब का क्या फायदा कमल? मेरा एक अलग परिवार है। जब मैं तुझे माफ कर देती हूँ कि तू नहीं आ पाया, मान लिया कि तू फंस गया कहीं पे, पर अब मैं खुश हूँ कमल और पुराना कुछ भी याद नहीं करना चाहती। मैं बस यहाँ पे इसलिए आई थी क्योंकि शादी के बाद तुझसे बात नहीं हो पाई, पर अब दोबारा नहीं आऊंगी और तुझसे कभी नहीं मिलूंगी। बस इतना बता दे तू मेरा प्यार भूल चुकी है या अब भी प्यार करती है मुझसे? बोलना इतना आसान होता ना, तू कभी आती ही नहीं यहाँ। कमल, मैं तुझसे बहुत पहले प्यार करती थी, पर हाँ मैं भुला नहीं सकती। तू वो पहला इंसान है जिससे मैंने प्यार किया था। वो पहला इंसान जिसे तूने किस किया था, जिसके साथ तू रहना चाहती थी, जिसके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती थी। किस्मत हमारे साथ नहीं थी, जब तुझे मेरी जरूरत थी मैं था ही नहीं। पर क्या उस गलती की वजह से हम दोनों एक दूसरे को हमेशा कोसते रहेंगे, एक दूसरे से अलग हो जाएंगे? क्या उस गलती की सजा मुझे जिंदगी भर मिलनी चाहिए? मैं नहीं बदला हूँ मेघा, मैं वही कमल हूँ जो तुझसे बहुत प्यार करता है। मुझे पता है तू वही मेघा है जो मुझे बेहद प्यार करती थी। मेघा, हमारी मंजिल पहले भी एक थी, आज भी एक है और हमेशा ही एक रहेगी। कमल, मैं अपने पति को धोखा दे रही हूँ। अगर तुझे ऐसा लग रहा है तू मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो सबसे बड़ा धोखा तो खुद को दे रही है। कमल, वो मुझसे बहुत प्यार करता है। तो मुझसे प्यार करती है? मैं अपना खुद का सामना नहीं कर पा रही हूँ कमल, तुझे वापस आना ही नहीं चाहिए था। मुझे ना तुझे उस वक्त छोड़ के जाना ही नहीं चाहिए था। हम एक नहीं हो सकते कमल। ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं पाप कर रही हूँ कमल, मैं बार बार तुझसे मिलने नहीं आ सकती। भजन मुझ पे शक नहीं करता, पर मैं उसका भरोसा नहीं टूट सकती। तू मेरे साथ चलेगी हमेशा के लिए, अपने पति को छोड़कर, सबको छोड़कर? नहीं कमल, बिल्कुल नहीं। नहीं चल सकती मैं, भजन को बहुत तकलीफ होगी और जगत का क्या होगा? यही छोड़ दे जगत को, वो उसका बेटा है, वो संभाल लेगा उसको। नहीं, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा मेघा। 5 साल हुए हमें एक दूसरे को देखे हुए, बात तक नहीं की थी, और अब देख सिर्फ 2 महीने हुए हमें मिले हुए, सब कुछ पहले जैसा हो गया है। हमारी किस्मत में मिलना ही लिखा है, नहीं तो हम ऐसे मिलते ही नहीं। नहीं कमल, हमारे पास एक मौका था साथ में होने का, लेकिन तू तब नहीं था। मौका भी है मेघा, मैं गलती दोबारा नहीं कर सकता। पर ऐसा कैसे होगा कमल? होगा मेघा, मैंने सब कुछ सोच रखा है। अगर तू मर जाए, अपने पति के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपनी माँ के लिए, पूरी दुनिया के लिए। तू क्या कह रहा है? मेरे पास एक प्लान है, वो देवा याद है तुझे? मेरा एक और दोस्त है सुधीर, मेरे साथ ही काम करता है, मैंने उनसे बात की है। हमें किसी और को मारकर सबको ये दिखाना होगा कि वो मेघा की लाश है। लेकिन अगर किसी को मारा तो पता चल जाएगा कि खून हुआ है और फिर पुलिस जांच करने आ जाएगी, और जांच करके पुलिस आज नहीं तो कल तुझ तक पहुंच ही जाएगी। यार मुझे मेघा चाहिए। अब वो ऐसे अपने पति को छोड़कर तो आने से रही, उसे बेइज्जती का बहुत डर है।
हाँ, अगर ये साबित हो जाए कि वो मर चुकी है तो मैं उसको मना लूंगा। तो फिर कुछ सोचते हैं। इसके लिए हमें उसके जैसी एक औरत को ढूंढना पड़ेगा। ये मर गई है, ये एक दिन आने के लिए हमें किसी को तो मारना ही पड़ेगा, तभी सबको यकीन होगा। सही कह रहे। हफ्ते भर सोचने के बाद ये तरकीब दिमाग में आई है, और देवा को तो एक औरत भी मिल गई है। इसको देखकर ऐसा लगेगा जैसे तू मरी है। वो देख, उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। यहाँ वहाँ इधर उधर सड़क हाईवे पूरे गांव भर में घूमती रहती है अपने मरे हुए पति की तलाश में। बेचारी जिंदगी से बहुत परेशान है, अब इसे मारकर हम इसे मुक्ति दे सकते हैं। मेघा, तुझे खामोश रहकर सिर्फ ऐसे दिखाना है जैसे तेरे पति और सास ससुर को लगे कि तू परेशान है। थोड़ा नाटक करना पड़ेगा। आसपास वाले लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि ससुराल में तेरे साथ कुछ हो रहा है और तू बोल नहीं पा रही है। ऐसा जैसे ससुराल वाले तेरे ऊपर दहेज को लेकर के जुल्म कर रहे हैं, तुझे मानसिक तौर पर परेशान कर रहे हैं। और थोड़ा ऐसा भी लगना चाहिए कि ससुर और जेठ तेरे साथ कुछ गलत कर रहे हैं। जब भी तेरी माँ का फोन आए ना तो तू ऐसे बात कर जैसे तू परेशान है और अपने सास ससुर से खुश नहीं है। भजन दिल्ली जा रहा है गुंजन भैया के साथ काम करने के लिए, ताकि मुझे और जगत को एक अच्छी जिंदगी दे पाए, और मैं यहाँ। फिर तो ये और भी अच्छा मौका है। हम ऐसा दिखाएंगे जैसे तूने आत्महत्या की है। तुझे पता है देवा मुझे बता रहा था, अगर 7 साल के अंदर लड़की के साथ दहेज को लेकर कुछ हो जाए ना तो ससुराल वाले लंबे समय के लिए अंदर जाते हैं। पर कमल, उन लोगों ने मेरे साथ कुछ बुरा नहीं किया है। तो मैंने कौन सा बुरा किया है मेघा, जो मैं तेरे बगैर जिंदगी बिताने की सजा काटूं? देख मेघा, हमें एक मौका मिला है, हम ये मौका गंवा नहीं सकते। मान जा, हम बड़ी आसानी से एक दूसरे के साथ हो सकते हैं मेघा, और ऊपर वाले ने हमें ये मौका दिया है। ये सब सोचकर ये मौका बर्बाद मत कर। मुझे माफ कर दो भजन, माफ कर दो, मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, फिर दोबारा कभी नहीं मिलूंगी। तू ऐसा करेगी तो मैं तुझे छोड़ के नहीं जा पाऊंगा। हाँ, मैंने देखा ना। कहाँ देखा है? अरे उधर है, चल चल। अच्छा, चल, मुझे अच्छा बताता हूँ। हाँ, चल, चल, चल। देखिए, रिपोर्ट्स के हिसाब से भजन को सेकंड स्टेज का कैंसर है। क्या कहा आपने? सेकंड स्टेज कैंसर, क्या मतलब है इसका? सेकंड स्टेज कैंसर मतलब आप लोग बस इतना समझिए कि भजन की हालत ठीक नहीं है, उसे तुरंत सिविल हॉस्पिटल ले जाइए।
मैं एक नोट लिख के देता हूँ, वहाँ पे डॉक्टर को दे देना। पापा ठीक तो हो जाएंगे ना डॉक्टर? देखिए उन्हें इलाज की तुरंत ज़रूरत है, पहले ही काफ़ी देर हो चुकी है, आगे जाकर देर मत कीजिए। 15 सालों से भजन अंदर ही अंदर मर रहा था, या ये कहें कि वो खुद को मार रहा था इस सवाल के जवाब में कि मेघा ने अपनी जान क्यों ली। 15 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद भी रतन दागा को कोई अंदाजा नहीं था कि उसकी मां गीता दागा कहां चली गई थी और उसके साथ क्या हुआ था। क्या भजन गुलेरिया और उसके बेटे जगत गुलेरिया को कभी मेघा की सच्चाई के बारे में पता चल पाएगा? क्या रतन दागा को कभी उसकी मां के लापता होने की हकीकत का पता चल पाएगा? किस्मत के कारण यह अपराध एक लंबे समय तक सामने नहीं आ पाया था, लेकिन इसका खामियाजा कई जिंदगियों को चुकाना पड़ा था। लेकिन 2018 में किस्मत एक बार फिर पलटने वाली थी और 15 साल पहले हुआ जुर्म अब सबके सामने आने वाला था। ध्यान से देखिए जितेंद्र, तीनों में से किसी को जानते हैं? इन तीनों में से कभी कोई आपकी दुकान पर आया हो? नहीं सर, इनमें से कोई भी कभी भी मेरी दुकान पर मैंने पहले नहीं देखा। गनीमत समझिए सर कि मेरी दुकान में एक छिपा हुआ सीसीटीवी कैमरा था जिस पे इन चोरों की नजर नहीं पड़ी। क्या हुआ? जी सर देखिए, मेरी दुकान के दोनों सीसीटीवी कैमरे, दोनों के तार काट चुके थे वो लोग। और तो और सर, वो जो सीसीटीवी के साथ रिकॉर्डिंग मशीन आती है ना, वो भी चुरा के चोर अपने साथ ले गए। मतलब आपकी दुकान का अच्छी तरह से मुआयना किया गया? हो सकता है कि आपकी दुकान का कोई वर्कर भी इसमें शामिल हो? नहीं सर, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि सर यहाँ पे देखिए, यहाँ एक और छुपा हुआ सीसीटीवी जिसमें सेल्फ रिकॉर्डिंग हुआ है सर। सर इस रिकॉर्डिंग में तीनों चोर के चेहरे साफ साफ नजर आते हैं। चोरों को तो नहीं पता था कि यहाँ छिपा हुआ सीसीटीवी है, लेकिन मेरे सारे वर्कर्स जानते थे। और अगर सर मेरे वर्कर्स मिले हुए होते तो ये सीसीटीवी भी गायब हो जाना चाहिए था ना। सर इन तीनों की फोटो जोधपुर के सभी पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट कर दी है, लेकिन कहीं से कोई लीड नहीं मिल रही, कोई नहीं पहचानता इन तीनों को। ऐसे कैसे हो सकता है? फिर से भेज, पूरे राजस्थान राज्य में भेज, इतनी सफाई से चोरी की है उन लोगों ने, नए बंदे तो नहीं रखे, कहीं ना कहीं कोई केस तो जरूर होगा। और अगर बाहर की भी गैंग हुई तो भी पता चल जाएगा। ठीक है सर, पूरे राजस्थान के किसी भी थाने में तीनों में से किसी एक की भी स्पीड नहीं है? नहीं सर, किसी के बारे में कुछ पता नहीं चला है। अब सर समझ नहीं आ रहा कि चोर बाहर के स्टेट से आया था क्या? वैसे मैंने उनकी डिटेल्स दिल्ली और एमपी में भी भेज दी है। आसपास के दुकान से भी कोई फुटेज नहीं मिला? वैसे सर इस तरह की चोरी के केस पहले भी सामने आ चुके हैं, सीसीटीवी वायर को काटा गया, पीवीआर मशीन को लेकर चले गए, लेकिन सर वहां कहीं भी कोई छुपा हुआ सीसीटीवी कैमरा नहीं था, इसी वजह से चोरों की फुटेज सामने नहीं आई। फिर तो पक्का कोई मजा हुआ गैंग है जो काफी सफाई से अपने काम को अंजाम दे रहा है, पहली बार सामने आए। कैसे भी हो इन्हें पकड़ना है, कई सालों की चोरी का हिसाब मिलेगा इनसे। अंदर आओ साहब। उस्मान आ जा, जा। कोई टिप मिला क्या? साहब हाँ भी और नहीं भी, मतलब मुझे और ना मेरे बंदों को इन तीनों की कोई हिस्ट्री का पता ही नहीं चला, लेकिन इनमें से एक बंदा है इसका पता चला है। इसका नाम है कमल राजपूत, अपना एयरपोर्ट रोड साइड इसका घर है। मैंने डबल चेक किया साहब, ये बंदा कमल राजपूत ही है। घर में बीवी रहती है जिसका नाम है चंदा राजपूत, छोटा बच्चा है सूरज, बाकी इसका अगला पिछला सब पता कर रहा हूं मैं। चंदा राजपूत। डर लगता है कमल, बार बार सपने में आता है, जब भी ये दरवाजे की बेल बजती है ना, ऐसा लगता है कि मैं दरवाजा खोलूंगी और पुलिस आएगी सामने और तुझे पकड़ के ले जाएगी। चंदा राजपूत। जी। ये तुम्हारा पति कमल राजपूत है? बाहर है सर। कहाँ बाहर गया है? और ये फोटो में जो दो लोग हैं वो कौन है तुम्हारे पति के साथ? मुझे नहीं पता। नहीं पता? तुम्हारे पति ने इस बार ज्वेलरी शॉप में डाका डाला है, इसके पहले और कहाँ कहाँ डाका डाला उसने? सर मैं आपको बता रही हूँ ना, मुझे कुछ नहीं पता, मैं सच कह रही हूँ। सर वो घर के अंदर नहीं छुपा है। ठीक है, तुम हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलो, तुम चलोगी पीछे पीछे तुम्हारा पति भी आ जाएगा। नहीं नहीं सर, मैं नहीं जानती कि वो कहाँ है, क्या काम करता है। सर मेरा बेटा स्कूल से आने वाला है, मुझे घर पे रहना होगा। क्या उम्र है तुम्हारे बेटे सूरज की? सर वो 13 साल का है। हमारा एक कांस्टेबल तुम्हारे पड़ोसी के साथ यहाँ पे रहेगा, और जैसे ही तुम्हारा बेटा सूरज आ जाएगा
उसे लेकर थाने आ जाएगा, तुम चलो। नहीं नहीं सर, मेहरबानी करके ऐसा मत कीजिए, आप चाहे तो अपना एक कांस्टेबल यहाँ पे रख दीजिए ना, जैसे ही मेरा सूरज यहाँ पे आता है ना, मैं आपके थाने आ जाऊंगी। तुम माँ बेटे को पता था कमल चोरी का काम करता है? नहीं सर, हमें नहीं पता था। तुम्हारा पति कमल ये जोधपुर का है? हाँ सर, यही का है। उसका फोन बंद आ रहा है, कहाँ है वो? सर मुझे नहीं पता। सर इनका बेटा सूरज बोल रहा है कि उसके फादर सेल्समैन है, कई दिनों तक घर से बाहर रहते हैं। सेल्समैन? कैसा सेल्समैन? चंदा राजपूत? सर मुझे नहीं पता। चंदा तुम्हें कुछ पता भी है या नहीं? सर मुझे पता है कि वो काम करता है, लेकिन क्या काम करता है, कहाँ काम करता है मुझे नहीं पता। 13 साल का लड़का है तुम्हारा, 14 साल पहले शादी हुई थी ना? जी सर। सच बोल रही हो? इसमें भी कोई गड़बड़ है? नहीं सर, मैं सच बोल रही हूँ। तुमने बताया तुम्हारा पति कमल यहाँ जोधपुर का है, तुम भी यही की हो? जी सर। जोधपुर में कहाँ की? मायका कहाँ पर है तुम्हारा, और मायके में कौन कौन है? कोई नहीं है। कोई नहीं है? अरे तुम लोग पैदा हुए थे कि आसमान से टपके थे? तुम्हारा कोई नहीं है, तुम्हारे पति का भी कोई नहीं है। उसका फोन बंद आ रहा है, वो क्या काम करता है तुम्हें भी नहीं पता, और तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि उसके साथ ये दो आदमी कौन है। हम जानते हैं चंदा राजपूत, तुम्हें सब कुछ पता है, पूरे 26 लाख के गहने चुरा कर भागा है तुम्हारा पति, इसके पहले भी चुराए होंगे। सच सच बताओ। सर मैं सच बता रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। सलाम साहब, ये चंदा झूठ बोल रही साहब, इसका पति कमल राजपूत जैसलमेर के रूपनगर गांव से है, और वहीं पर उसकी माँ मनीषा राजपूत भी है। इसकी कहानी में कुछ तो गड़बड़ है साहब, अपना घर छुपाने की क्या जरूरत थी इसे? मुझे लगता है कि इसके पति के बारे में ये बहुत कुछ जानती है पर बता नहीं रही। ठीक है, वो सब हम देख लेंगे, लेकिन तेरे लिए सबसे बड़ा काम है कमल राजपूत के दोनों साथियों का पता लगा। मुझे नहीं खाना और मुझे स्कूल भी नहीं आना है कभी भी। मम्मी पहले मुझे ये बताओ नीचे पुलिस क्यों खड़ी है, पापा ने चोरी की है सब कह रहे हैं। बेटा मुझे नहीं पता, उनका फोन नहीं लग रहा है मुझे। आप झूठ बोल रहे हो, मम्मी सच बोलो, पापा ने चोरी की है, वो चोर है? चुप क्यों, बोलो ना। ये आपका बेटा कमल है? हाँ, ये मेरा बेटा कमल है। इस वक्त कहां पर है ये? पता नहीं साहब। ये देखिए, ये दोनों आपके बेटे के साथी हैं, बता सकती हैं कौन है ये दोनों? ये दोनों तो उसके दोस्त लग रहे हैं, देवा और सुधीर नाम है इन दोनों का, लेकिन आप लोग मेरे बेटे को क्यों ढूंढ रहे हैं? चोरी की है आपके बेटे ने, 26 लाख रुपए के गहने लेकर गायब हुआ है, और इसके पहले भी कई बार की होगी। देखिए मुझे कुछ भी नहीं पता, कितने साल हुए मैंने अपने बेटे को देखा तक नहीं। क्या चल क्या रहा है तुम्हारी फैमिली के बीच में? उधर तुम्हारी बहू चंदा कह रही है कि कमल का कोई परिवार ही नहीं है, तुम लोग आपस में बात बात नहीं करते हो क्या? देखिए मैं किसी चंदा को नहीं जानती, और मुझे ये भी नहीं पता कि कमल ने शादी कर ली है। तब तो आप अपने पोते सूरज को भी नहीं जानती होंगी। कमल को देख के 15 साल हो गए, 15 साल पहले वो गया, आज तक नहीं लौटा वो, ना कोई चिट्ठी भेजी और ना ही कोई फोन किया उसने। मुझे ये तक नहीं पता कि उसने किसी चंदा नाम की लड़की के साथ शादी किया, और उसका एक बच्चा भी है। चंदा के सामने बिठा के जब सवाल जवाब करूंगा ना, तो पता चल जाएगा क्या जानती और क्या नहीं। अरे तुम्हारा बेटा कमल कहाँ पे? ये है चंदा। क्यों, इसका और भी कोई नाम है? हाँ साहब, ये हमारी गांव की मेघा है, गायत्री की बेटी, लेकिन ये तो 15 साल पहले मर चुकी है। मेघा 15 साल पहले मर चुकी है? हाँ साहब, ये मेघा चौहान है, शादी के बाद ये मेघा कुलेरिया बन गई थी, 15 साल पहले उसने आत्महत्या कर ली, ससुराल वाले दहेज मांग रहे थे उससे, इसलिए मिट्टी का तेल छिड़ककर उसने खुद को जला दिया। ये मेरी बेटी की पत्नी कैसे हो सकती है? आप लोग पक्का इस मेघा से मिले हो? ये आपकी बेटी मेघा है? मेघा भाभी जिंदा है, पर ऐसे कैसे हो सकता है? पुलिस ने तो यही बताया, उसने अपना नाम भी बदल दिया था, चंदा बन गई है वो।
पर कोई मरा हुआ जिंदा कैसे हो सकता है भैया? कमल राजपूत और उसके दोनों साथी देवा और सुधीर जैसलमेर में ही छुपे हुए थे, जिन्हें पुलिस ने ढूंढ निकाला। इनके पास से लूट का एक बहुत बड़ा हिस्सा बरामद हुआ, लेकिन इस लूट से बड़ा वो अपराध था जो 15 साल पहले हुआ था। ये देखिए सर, बाकायदा कोर्ट में केस चला है सर। भजन गुलेरिया के पिता रणछोल गुलेरिया, माता पार्वती गुलेरिया और बहन कंचन गुलेरिया, ये तीनों ही जेल में थे सर, लेकिन कोर्ट के पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए इन्हें रिहा कर दिया गया। सबूत ना होने की वजह से, और वो भी ऐसे जुर्म के लिए जो उन लोगों ने कभी किया ही नहीं था। चंदा, मेरी बात सुन। देखो, तुम्हारे पति को कैंसर है। पिछले 15 सालों से वो सिर्फ यही जानने के लिए तड़प रहा है कि तुमने आत्महत्या क्यों की। उसके माँ बाप मर चुके हैं, तुम्हारी माँ भी आई है, एक बार चल के मिल लो। देखिए, मैं अपना जुर्म मान चुकी हूँ। कमल के साथ मिलकर मैंने जो भी किया सब बता चुकी हूँ। अब मुझे इन लोगों में से किसी से नहीं मिलना है। तुम्हें अंदाजा भी है कि कितनी जिंदगियां खराब कर दी हैं तुमने? हाँ, इतने सालों से खामोश बैठी रही, और आज जब मिलने का टाइम आया तो बोल रही किसी से नहीं मिलना, किसी का सामना नहीं करना है। मैंने कहा ना, मुझे किसी से नहीं मिलना है, किसी को नहीं देखना है मुझे। किडनैपिंग के केस पर क्या हुआ सर? मैं रतन दागा, आपने फोन किया था, आप मेरी माँ के बारे में कुछ बोल रहे थे, क्या पता चला है आपको? हाँ रतन, बैठो। जी सर। रतन, हमने पता किया, 15 साल पहले तुम्हारी माँ को मार दिया गया था और उन्हें जला कर मारा गया, और इस काम को एक कपल ने मिलकर अंजाम दिया क्योंकि वो साथ में भागना चाहते। तुम्हारी माँ की लाश को उस औरत की लाश बताकर ये साबित करना चाहते थे कि उस औरत ने आत्महत्या कर ली, ताकि सबको यही लगे कि वो भागी नहीं, मर गई। मेघा गुलेरिया नाम था उसका। देखिए, वो आप लोगों में से किसी से नहीं मिलना चाहती। उसने अपना गुनाह भी कबूल किया। उसने कबूल किया है कि कमल राजपूत के साथ मिलकर उसने एक मानसिक रूप से बीमार औरत को मारा था, ताकि लोगों को ये लगे कि वो खुद मर गई है। अपना गुनाह तो कबूल कर लिया है, लेकिन आप में से किसी से मिलने की इच्छा नहीं। मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ दामाद जी, मुझे माफ कर दे। रहने दीजिए माँ जी, उसने सिर्फ हमको ही नहीं आपको भी अंधेरे में ही रखा था। अंधेरे में नहीं पापा, माँ ने हम सबके पीठ पर छुरा घोंपाया, छुरा। अरे, अपने स्वार्थ के लिए क्या क्या नहीं किया माँ ने, किस किस को मार दिया, दादा को, दादी को, इन सबकी हत्या की है। माँ को नहीं मिलना है ना तो ना मिले, लेकिन एक बार मुझे उससे मिलना है, एक बार उसका चेहरा देखना है मुझे, वो चेहरा देखना है जिसने शायद नीचे गिरने में एक नई मिसाल कायम की है। इस केस के खुलासे ने सभी को चौंका दिया। 13 साल के सूरज के लिए इस पर भरोसा कर पाना सबसे ज्यादा मुश्किल था। उसे उसकी दादी यानी कि कमल की माँ के पास छोड़ दिया गया। कमल राजपूत, देवा, सुधीर और मेघा गुलेरिया पर गीता दागा की हत्या के लिए आईपीसी की धारा 302 के तहत केस दर्ज किया गया है। साथ ही आपराधिक षड्यंत्र रचने के लिए आईपीसी की धारा 120B और सबूतों से छेड़छाड़ करने के लिए धारा 201 के चार्जेस भी लगाए गए हैं। अब तो तुझे तेरे 15 साल पुराने सवाल का जवाब मिल गया ना भैया, अब जिंदगी में आगे बढ़, अब तो अपना ध्यान रखना शुरू कर दे। और अब मेघा ने तेरे साथ ऐसा क्यों किया, इस नए सवाल के पीछे मत पड़ जाना। वास्तव में वो क्या और कौन सी चीज है जो प्रेमियों में समझदारी पैदा कर सकती है? अभी कुछ महीने पहले इंटरनेट पर कुछ लोग बोल रहे थे कि शादी के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स एक इंडिविजुअल चॉइस होनी चाहिए। ये एक व्यक्तिगत विचार है और इसका ना तो हम समर्थन करते हैं और ना ही खंडन। ये आपको सोचना है कि क्या सही है और क्या गलत। एक तरफ इस जघन्य अपराध में शामिल किरदार 14 सालों तक कभी रोशनी में नहीं आए, लेकिन एक लाश सामने थी जो देखने में हूबहू मृतक महिला की तरह लग रही थी, लेकिन बहुत ही बुरी तरह जली हुई हालत में।
ऐसे मामले में मृतक महिला का डीएनए टेस्ट किया जाना चाहिए था। इस बात की पुष्टि की जानी चाहिए थी कि मेघा से मिलती जुलती हुई लाश वाकई में मेघा की ही थी या नहीं। इस तरह का अपराध मायूसी देता है और हर तरफ से खामोशी से तबाही ही लाता है। किसी की लाश पर खुशियों की इमारत कैसे खड़ी हो सकती है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। कल रात 11 बजे कौन बनेगा करोड़पति के करमवीर एपिसोड के बाद आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए केस के साथ। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।